हेलो स्टूडेंट, आई एम सूरज फ्रॉम वाराणसी। बोर्ड एग्ज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मैंने समय के अनुसार आपके कोर्स प्रारंभ कर दिया है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो वीडियो आपको दूँ उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। सबसे पहले हम क्लास 12th के बारे में बात करेंगे। मैथ सुबह 7 बजे, फिजिक्स प्रतिदिन शाम 7 बजे चलेगा, केमिस्ट्री शाम 8 बजे चलेगा। हेलो स्टूडेंट, तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको कक्षा 12 एनसीईआरटी, जैसा कि आप जानते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र चल रहा है, ठीक, अध्याय 2 यानी अल्कोहल फिनाल ईथर के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये कौन सा है? ये भाग 4 है। किसका? एथिल अल्कोहल का। इसके पहले हम आपको ये बता दें, ये जो अल्कोहल फिनाल ईथर है, ठीक, ये तीनों एक ही चैप्टर में दिया एनसीईआरटी में, तो इसको हम अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने पहला अल्कोहल लिया था, अल्कोहल पढ़ रहे थे, तो अल्कोहल में हमको दो चीज पढ़ना था, मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल। तो मेथिल अल्कोहल के बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं, अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हो तो आप उसको देख लीजिए। ठीक है, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। और दूसरा है एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल के बारे में हम आपको पढ़ा रहे हैं, जैसा कि ये बता देंगे हम आपको कि ये वीडियो जो है एथिल अल्कोहल के लिए लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि इसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हमने कुछ बता दिया है। अब कुछ बाकी है जो रिएक्शन हम इस वीडियो में पूरी तरह से कम्प्लीट कर देंगे, तो इस तरह से आपका अल्कोहल में जो एथिल अल्कोहल मेथिल अल्कोहल दोनों था वो खत्म हो जाएगा। ठीक, तो अगले वीडियो में हम आपको ईथर के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम फिनॉल पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि ईथर तो थोड़ा छोटा टॉपिक है, लेकिन फिनॉल तो बहुत बड़ा टॉपिक है, तो पहले हम छोटे वालों को कवर कर लेंगे, उसके बाद हम फिनॉल को पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम ज्यादा बात नहीं करते हुए आते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये वीडियो एथिल अल्कोहल का आज के लिए लास्ट होगा। ठीक है, इसमें कुछ रिएक्शंस छूट गए थे, इसमें हम उसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक, चलिए तो देखिए इसमें क्या दिया है, क्लोरीन से क्रिया। किसकी क्रिया? एथिल अल्कोहल पढ़ रहे हैं, तो एथिल अल्कोहल की क्या करेंगे? क्लोरीन से क्रिया करेंगे, तो क्या बनेगा? ठीक है, तो देखिए एथिल अल्कोहल की क्लोरीन के साथ निम्न अभिक्रिया होती है। निम्न अभिक्रिया मतलब जैसे कि 2 अभिक्रिया हो सकता है, 3 अभिक्रिया हो सकता है, समझ रहे हैं? चलिए तो हम आपको वो बता देते हैं, तो कौन कौन सी अभिक्रिया होगी, चलिए उसको समझते हैं। तो पहले हम देखेंगे पहले अभिक्रिया कौन होगी उसको देखेंगे, उसके बाद हम दूसरी अभिक्रिया देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो गया, एथिल अल्कोहल का पहले सूत्र लिखेंगे तो हो जाएगा C2H5OH। ठीक, ये क्या है? ये है एथिल अल्कोहल। अब किससे क्रिया कराएंगे? क्लोरीन से, तो प्लस Cl2। ठीक हो गया, तो देखिए क्या हो जाएगा। अब देखिए, तो देखिए रिएक्शन को हम कितने सिंपल तरीके से आपको करके दिखाते हैं। ठीक, अब देखिए जो C2H5OH है, ये जो C2H5OH है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि आप समझ सकते हैं CH, ठीक, CH3, समझ रहे हैं, CH3 CH2OH, समझ रहे हैं? ऐसे लिखे या ऐसे लिखे मतलब एक ही है, इसलिए कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो देखिए क्या हो जाएगा, पहले मान लीजिए इसको हम, ये तो एक ही चीज है, तो देखिए यहां कितना CH3 है, ये जो CH3 देख रहे हैं आप, इस C के साथ लेके यहां लिख देते हैं। ठीक, देखिए CH3 है, CH3 हो गया। ठीक, और जो ये C है इसको भी लिख लेते हैं, CH3 हो गया, CH3 C बन गया। अब देखिए क्या होगा, ये OH है, देख रहे हैं OH है, तो OH को हम H लिख के पहले तब O लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? नहीं होगा। ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा, H लिख दिए, O लिख दिए, अब क्या क्या बचा है ध्यान दीजिएगा, ये खत्म हो गया इतना और ये पूरा खत्म हो गया, कितना बचा है? 2 H बचा है। ठीक, यहां 2 H बचा है, या ध्यान दीजिएगा इसको समझिए या फिर इसको समझिए। ठीक है, तो देखिए 2 H बचा है, इसको समझेंगे तो बेटर समझ में आएगा, क्योंकि इसमें पूरी तरह से खोल के लिखे हैं एथिल अल्कोहल को। तो यहाँ H 2 बचा है, यहाँ Cl कितना है? 2 है, तो यहां से हम 2 HCl निकाल सकते हैं, 2 HCl निकल गया ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड। ठीक, एसिटल्डिहाइड, और ये क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, समझ में आ गया आपको रिएक्शन है? चलिए, ये समझ में आ गया तो एक रिएक्शन और हम समझाते हैं आपको। इसमें दो ठोक है तो उसको देख लेते हैं एक को। तो देखिए पहला हो गया ये और दूसरा क्या है, देखिए जैसे यहाँ पे लिखे थे इस बार C2H5OH को CH3CH2OH एथिल ग्लाइकोल दोनों ही है, वो तो जानते हैं एक ही चीज है, तो उसको भी हम यहाँ पे लिखते हैं। देखिए दूसरे रिएक्शन में कैसे होता है, एकदम सिंपल तरीके से CH3 ठीक CH2OH ये क्या हो गया भैया, एथिल ग्लाइकोल। ध्यान से देखिएगा, एथिल ग्लाइकोल, समझ रहे हैं? अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया एथिल ग्लाइकोल। अब प्लस यहां सीएल कितना था, क्लोरीन एक ही था, अब यहां कितना लेंगे, तीन ठो लेंगे, मतलब 3Cl2। ठीक, समझ में आ रहा है? अब देखिए इसका रिएक्शन कैसे कराएंगे हम। देखिए पहले क्या करेंगे हम, सी एक को यहां पे है, एक को यहां पे है और यहां पे है, मतलब यहां तो क्लोरीन है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, पहले ये सी और ये सी को लिख देंगे। ठीक, सी सी, अब देखिए यहां एल सीएल कितना है, तीन दुना छठ है, तो हम क्या करेंगे यहां से ले लेंगे तीन ठो, कितना लेंगे तीन ठो, तो हो जाएगा CCl3, समझ रहे हैं? हो गया, ये C ले लिए, ध्यान से देखिएगा, ये C ले लिए और यहां से Cl3 ले लिए। ठीक है, अब देखिए क्या बचा है, देखिए यहां से एक C हम ले लिए यहां पे, ठीक, और Cl3 में ये जो क्लोरीन है यहां से तीन ठो ले लिए हैं, इतना हो गया। अब देखिए ये जो C बचा है इसको ले लेंगे, C हो गया। ठीक, अब यहां OH है तो हम OH को HO भी तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमको बनाना क्या है उस पर हम देंगे, कुछ ऐसा यौगिक बनना चाहिए, जैसे इस रिएक्शन को हम ऐसे करेंगे जैसे हमको कुछ मिलना चाहिए, कुछ बनना चाहिए, कुछ मतलब निकलना चाहिए, समझ रहे ना? तो उसी हिसाब से इसको हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए CCl3 C हो गया, अब हो गया ये OH को हम लिख देंगे HO, हो गया सिंपल। ये क्या हो गया, इसका नाम हो गया क्लोरल, इसी को क्लोरल कहते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को कोई डाउट हो रहा हो तो इसका जो सूत्र है इसको नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि आगे जो हम आगे जितने बढ़ेंगे आपको क्लोरल मिलते चले जाएंगे, क्योंकि क्लोरल से भी रिएक्शन बहुत सारे हैं अभी, तो उसको हम बिल्कुल सिंपल तरीके से बताने वाले हैं। तो अभी से आप अगर नाम नोट किए रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा उस टाइम। ठीक है, अब देखिए क्या बचा, इतना तो निकल गया। ठीक, अब देखिए प्लस यहां कितना सीएल बचा है, सीएल छठ होता तो तीन ठो निकाल दिए, तीन ठो बचा है। ठीक, अब एच का ठो बचा भैया, इधर देख लेते हैं, एक तीन ठो यहाँ पे एच बचा है, क्योंकि ये एच तो यहाँ पे लगा दिए हम, तीन ठो एच बचा है, तीन ठो सीएल बचा है, तो 3HCl निकल सकता है, निकल गया, समझ रहे हैं? अभी क्या हो गया, इसका भी नाम हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसको लिख देते हैं हाइड्रो क्लोरिक एसिड। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए तो हम दूसरा रिएक्शन देखते हैं, दूसरा क्या है भैया, इसको देखते हैं। तो दूसरा दिया हुआ है, क्या दिया है, दूसरा है तप्त तांबे के साथ क्रिया, समझ रहे हैं, तप्त तांबे के साथ क्रिया। तो देखिए क्या हो रहा, इसमें क्या होगा, पहले एथिल अल्कोहल की ठीक है वाष्पों को तप्त तांबे पर प्रवाहित करने पर एसिटाल्डिहाइड बनता है। तो कैसे बनता है, चलिए रिएक्शन समझते हैं। ठीक है, देखिए क्या होगा, पहले एथिल अल्कोहल लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, CH3CH2OH। आपके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा कि बार बार इसको CH3CH2OH क्यों लिख रहे हैं, कहीं लिख रहे हैं ऐसे, कहीं लिख रहे हैं C2H5OH, तो ये क्यों लिख रहे हैं, ये इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि जो रिएक्शन बनने वाला है, जो रिएक्शन कराने वाले हैं, वो बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ में आए आपको। ठीक है, इसीलिए आपको दोनों तरीके से बताया जा रहा है, समझ रहे हैं? चलिए तो देखिए क्या कराएंगे, इसका हम तांबे के साथ कराएंगे, तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा Cu, समझ रहे हैं, और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, हो गया, समझ में आ रहा है? चलिए अब देखिए क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, पहले ये जो CH3 है ठीक, CH3 और C HO को निकाल देंगे, समझ रहे हैं? कैसे निकालेंगे, जैसे अगले रिएक्शन निकालते, चलिए देखिए देखिए निकाल के दिखाते हैं हमको। CH3 हो गया, ठीक, इतना हो गया, अब ये जो C है इसको भी लिख लेंगे, अब OH की जगह पे हम HO करके लिखेंगे, CH3CHO, यही तो है एसिटाल्डिहाइड, इसका नाम हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड। ठीक,
अब क्या बचा, प्लस, अब देखिए कितना बचा है, यहां यच कितना बचा है, दो ठो बचा है, तो ये क्या करेंगे हम इधर निकाल देंगे, यच टू गैस है तो ये ऊपर की तरह मुक्त हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हैं आप? चलिए, आपको समझ में आ गया रिएक्शन, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया गया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आपको तीसरा रिएक्शन बताते हैं, तीसरा क्या है उसको समझते हैं। ठीक है, तो तीसरा रिएक्शन है विरंजक चूर्ण से अभिक्रिया। ठीक, जो बच्चे रेगुलर क्लास करते होंगे उनको बिल्कुल उनको तो कुछ ऐसा ही नहीं लगेगा कि इसमें कुछ नया बताया जा रहा है, क्योंकि ये रिएक्शन हम पहले बता चुके हैं। जैसे क्लोरोफॉर्म जो पढ़ा होगा उसको अच्छी तरह से रिएक्शन समझ में आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से। हो सकता है अगर हम करना शुरू करें तो बच्चा आगे आगे भी कर सकता है। ठीक है, चलिए तो हम आपको करके दिखा रहे, जो देखा है उसके लिए सही है, जो नहीं देखा है उसके लिए भी सही है, क्योंकि जो नहीं देखा है वो देख लेगा, जो देखा है वो तो देखा ही है। ठीक, चलिए तो पहले इसको समझते हैं उसके बाद इसको शुरू करते हैं। थोड़ा लंबा है लेकिन बोरिंग नहीं है। ठीक है, चलिए समझिए। ब्लीचिंग पाउडर यानी ब्लीचिंग पाउडर क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण। ठीक, जल की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल से क्रिया करके क्लोरोफॉर्म बनाता है। ठीक, यह अभिक्रिया निम्नलिखित पदों में पूर्ण होता है। समझते हैं बात को। चलिए तो जब हम क्लोरोफॉर्म बना रहे थे, आपको एथिल अल्कोहल से बना के दिखाए थे, तो आपको रिएक्शन याद होगा ना? अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, हम इसमें फिर से बताने वाले हैं, आप उसको समझ लीजिए। देखिए क्लोरोफॉर्म पढ़ाए थे तो एथिल अल्कोहल की चर्चा उसमें हुई थी तो उसको बता दिया गया था, अब एथिल अल्कोहल पढ़ रहे हैं तो क्लोरोफॉर्म की बात आ गई तो उसको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। ये मत सोचिएगा कि जो बता दिया गया है वो आपको नहीं बताया जाएगा। ठीक है, जो बीच में आता रहेगा उसको हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, क्योंकि हर बच्चे को समझ में आना चाहिए, अच्छी बात है ना। चलिए तो देखिए क्या होगा, तो अब हम रिएक्शन देखते हैं। पहले हम विरंजक चूर्ण को लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका सूत्र, देखिए Ca, ठीक, OCl2, ये क्या हो गया, इसका नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का सकते या फिर विरंजक चूर्ण, ये हो गया। जल की उपस्थिति में बात हो रही है तो हम जल से करा देते हैं, प्लस H2O। ठीक, देखिए रिएक्शन बहुत सिंपल तरीके से समझिएगा, बहुत हार्ड नहीं है, हम आपको इतने सिंपल तरीके से बताने वाले हैं कि जो हार्ड भी रहेगा वो भी आपको सिंपल लगेगा। ठीक है, जहां भी आपको थोड़ा सा डाउट होता है आप तुरंत पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तुरंत पूछ सकते हैं, सर हमको यहां समझ में नहीं आया, वो रिएक्शन आपको फिर से बताया जाएगा बिल्कुल स्पष्ट तरीके से। ठीक है, चलिए तो अब देखिए इसके साथ क्या होने वाला है। पहले देखिए सीए है, अब हम सीए को क्या करेंगे, लिख लेते हैं। ठीक, तो चलिए लिख लेते हैं, सीए हो गया। ठीक, अब देखिए क्या होगा, वो यहां पे है। ठीक, समझ रहे हैं, वो कितना है, दो ठो है, एक खो यहां पे है, एक खो यहां पे है। ठीक, अब यच कितना है, दो ठो है, तो हम उसको ऐसे कर सकते हैं OH2, वो भी दो ठो है, यच भी दो ठो है, तो दो बार लिख दिए। क्लियर समझ में आ रहा है, CaOH2 हो गया। अब प्लस, अब बचा क्या है, ध्यान से देखिएगा, अब बचा है आपका Cl2, बचा है ना, बाकी सब तो खत्म हो गया है, तो इसको लिख देंगे Cl2। ठीक, अब देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम तो आपको पता होगा, क्लोरीन। ठीक, और CaOH2 का नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ रहे हैं आप, चलिए लिख देते हैं हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये इसका नाम हो गया, इसका नाम हो गया, और ये इसका नाम हो गया, ये जल हो गया, तो पता है। देखिए ये पहला पद हो गया। ठीक, मतलब एक रिएक्शन कंप्लीट होगा, ये निम्न पदों में होगा, ये तो बताया गया था, देखिए लिखा हुआ है। अब देखिए दूसरा क्या होगा उसको समझते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम लेंगे एथिल अल्कोहल, पहले ब्लीचिंग पाउडर से बात हुआ था, जो कह रहा है बिल्कुल इसी तरीके से चलेंगे। ठीक है, अब कह रहा है एथिल अल्कोहल की क्रिया करने पर क्लोरोफॉर्म देता है, तो चलिए कराते हैं एथिल अल्कोहल क्रिया। तो देखिए एथिल अल्कोहल क्रिया कैसे होगी, पहले उसको लिख लेते हैं, तो हो जाएगा CH3CH2OH। ठीक, ये हो गया एथिल अल्कोहल प्लस Cl2, फिर क्लोरीन से क्रिया कराएंगे। समझ रहे हैं बात को। अब देखिए रिएक्शन तो बनेगा क्या, पहले ये ध्यान देते हैं, बात होती है CH3C को लिख लेते हैं, CH3C। ठीक, ये OH है तो OH को HO लिखे या OH लिखे मतलब एक ही बात है, तो हम यहाँ OH लिखेंगे तो दूसरा कुछ बन जाएगा, लेकिन HO लिखेंगे तो कुछ और बन जाएगा। ठीक, समझ रहे हैं, तो हम इसको जो बनाना है उस तरीके से चलते हैं, तो ये CH3C हो गया, HO, H लिखते हैं पहले फिर लिखते हैं O,
समझ रहे हैं बात को? चलिए तो क्या सीएससी सीएचओ, अब प्लस, अब देखिए क्या बचा है, हो गया, अब बचा है दो ठो एच बचा है और दो ठो सीएल बचा है, तो क्या हो जाएगा 2HCl। ये चीज निकाल के हम चाहे तो यहां भी रख सकते थे, दिखा सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, अगर यहां भी कर सकते हैं माइनस टू या सीएल तो हो जाएगा, लेकिन हम यहां पे ऐड कर लिए क्योंकि देखने में अच्छा लग रहा है और नाम भी लिख देंगे अच्छे समझ में आ जाएगा आपको, इसलिए हमको यहां लिखना पड़ा। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक समझ में आ रहा है, ये क्या है, ये है एथिल अल्कोहल, ये क्लोरीन है, ठीक समझ गए, और ये क्या है CH3CHO, हो रही बात, तो देखिए इसका नाम क्या होगा CH3CHO का नाम होगा, ये हो गया एसिटाल्डिहाइड। ठीक, ये आपको नाम क्लियर होते चलिए, ठीक है, क्योंकि आपको रिएक्शन कराना पड़ेगा, आपको नाम पता होना चाहिए, अगर लिख दिया बाय द वे एसिटाल्डिहाइड से क्रिया तो आपके दिमाग में कैसे बनेगा नहीं बनेगा, तो अगर आप समझ रहे हैं तो तुरंत समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए ये दो पदों में हो गया, अब देखिए तीसरा पद क्या होगा, कैसे होगा उसको समझते हैं, तो देखिए तीसरे में क्या होगा, अब देखिए फिर क्या करेंगे, ये जो बना है एसिटाल्डिहाइड, ध्यान दीजिएगा ये जो बना है एसिटाल्डिहाइड, हम इनको लेंगे, तो कैसे लेंगे, उठा लेंगे, तो हो जाएगा CH3CHO, बात हो रही है क्लोरोफॉर्म बनेगा, तो कैसे बनेगा देखिए प्रोसेस पूरा क्या है, क्लोरोफॉर्म बनाने की जो प्रोसेस था, एथिल क्लोरोफॉर्म पढ़ाया गया था आपको एसीटोन से और एथिल अल्कोहल से, तो उसमें से एथिल अल्कोहल वाले से बिल्कुल मैच कर रहा है, जान रहे हैं आप, तो वही रिएक्शन ही पूरा है, समझ रहे हैं ना। चलिए तो देखिए क्या हो जाएगा, CH3CHO हो गया प्लस, अब यहां तीन Cl2 ले लेंगे, समझ रहे हैं, चलिए अब इसको हम तीन Cl2 से करा देंगे क्रिया इसकी, तो क्या बनेगा देखिए, अब हो जाएगा CC, ठीक ध्यान से देखिएगा, देखिए यहां कितना है क्लोरीन, कितना है 6 है, ठीक, और यहां एक सी है, तो पहले सी ले लेते हैं, ये हो गया तीन ठो Cl2 क्लोरीन ले लेते हैं, तो हो जाएगा Cl3, समझ रहे हैं बात को, क्लोरीन यहां तीन ठो है तो यहां 6 है तो यहां तीन ठो ले लिए, CCl3 हो गया। अब देखिए ध्यान से यहां क्या है, ये पूरा हम लिख लेंगे, ठीक CCl3CHO, अब देखिए बचा क्या, ये पूरा खत्म हो गया है और यहां से तीन ठो Cl भी चला गया है, समझ रहे हैं बात को, अब बचा क्या है, बात ये आती है ना, चलिए तो अब हम उसको भी अब डिस्कस कर ही देते हैं। ठीक, तो देखिए क्या होगा, CCl3CHO निकल गया है, अब H कितना है, ये देखिए H है, तो देखिए H को निकाल देंगे हम इसमें से, कितना H है और Cl बचा है, तो निकाल देंगे HCl। ठीक, अब देखिए Cl तो इंट गया था, तीन तो बचा था, बात समझ रहे हैं, चलिए तो अब क्या करेंगे हम इसको लिख देंगे तीन, तो तीन तो Cl भी निकल गया और यहां जो तीन तो H बचा था वो भी निकल गया, अब बाकी बैलेंस पूरा है, समझ रहे हैं, चलिए समझ में आ गया आपको। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा CH3CHO, तो यहां लिखा हुआ है एसिटाल्डिहाइड, बिल्कुल क्लियर है, लिखने की जरूरत नहीं है, यही चीज यहां पे लिखा हुआ है तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, क्लोरीन है, ऊपर भी लिखा हुआ है इसके, नीचे भी लिखा हुआ है, ये भी क्लोरीन ही है, क्या है बस अंतर इतना है कि इसका तीन मात्रा लिया, ये एक ही है। ठीक, अब देखिए बात आती है इसकी, ये क्या है, ये बात आती है ना, तो इसी को क्या कहते हैं, क्लोरल कहते हैं, क्लोरल, ठीक, और ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, समझ में आ गया आपको। चलिए एक स्टेप और बाकी है, उसमें आपको क्लियर कर दिया जाएगा क्या बनेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए अब क्या होगा, अब जो हम पहले बनाए थे, क्या बनाए थे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऊपर बनाए थे ना ये वाली चीज, तो अब हम इसका यूज करेंगे, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं, इसको लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा। तो CA था पहले, उसका सूत्र क्या था यहां लिख लेते हैं, कोई डाउट ना चाहिए, CA था, OH था, ट्वाइस था, ये रफली हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, यही था, तो देखिए इसके हिसाब से हम कैसे सजाते हैं इसको, सजाने का मतलब इनका तो मतलब क्या करना, रिएक्शन कराना, तो कैसे इनको बैठाएंगे, कैसे इनको तोड़ेंगे, उस हिसाब से बात करेंगे ना।
तो चलिए देखिए, पहले सीए भाई साहब हैं तो इनको लिख लेते हैं। ये लास्ट टॉपिक है, मतलब क्या कहते हैं, लास्ट रिएक्शन, लास्ट पद। तो तीन पद तो हो गया, ये चौथा पद है, तो हो गया सीए। अब ओएच कितना है भैया, दो ठो है, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। अब इनको इधर से यहाँ लटका देते हैं और इनको यहाँ से यहाँ लटका देते हैं। ये हो गए ओएच, यहाँ पे एक खो यहाँ पे ओएच, सॉरी ओएच यहाँ हो गए, ठीक। दो ठो ओएच था, एक खो ऊपर लटक गए, एक खो नीचे लटक गए। अब देखिए क्या होगा, अब इसमें क्या खेलवाड़ करेंगे हम, प्लस। अब देखिए ये जो क्लोरल बना था यहाँ पे CCl3CHO, समझ रहे हैं, तो इनको लिख लेते हैं, इनका यहाँ भी CCl3, ठीक, CHO हो गया यहाँ पे। अब इसको भी क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे, समझ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, CCl3CHO, ठीक हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम यहां से इनको निकाल लेंगे, कहां तक निकालेंगे ध्यान दीजिएगा, जहां डिब्बा बंद करेंगे वही तक निकालेंगे, ठीक है। यहां हो गया, यहां से इनको निकाल देंगे, तो निकल क्या आ रहा है, बात ही आती है, समझ रहे हैं बात को। तो देखिए क्या निकल रहा है, पहले CHCl3 निकल रहा है, अब पूछेंगे कैसे निकल रहा है, CHCl3 निकल रहा है, निकल रहा है ना। तो चलिए अब हम रिएक्शन के बाद इसको समझते हैं, तो कैसे निकालेंगे, देखिए कट निकाल रहे हैं, एक खो यहां से CHCl3 निकाल रहे हैं, एक खो ऊपर से निकाल रहे हैं CHCl3, बात समझ में आ रही है। तो लिखेंगे दो ठो निकाल रहे हैं, 2CH, ये C हो गया C, H हो गया H, ठीक, CL3 ये जो इधर है ये हो गया, क्लियर तो नहीं, डाउट हो गया, डाउट तो क्लियर होगा एकदम बिल्कुल। अब देखिए इसका नाम भी लिखते चलते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोफार्म, यही तो है क्लोरोफार्म, CHCl3 बन गए, अंतर कितना, बस ये दो मात्रा है किसका, क्लोरोफार्म का, तो ये हो गया क्लोरोफार्म, ठीक। अब प्लस, अब बचा क्या है, बात उस पे आती है, ठीक, समझ रहे हैं बात को। तो चलिए देखिए क्या बने, अब कैसे बने, ठीक, देखिए पहले क्या है, बचा क्या आपका, यच बचा है, हाँ, तो यच को हम लिख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, यच लिख लिए, ठीक। अब भैया क्या बचा है, सी बचा है, कहीं देखो यहां सी बचा है, यहां सी बचा है, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, स्टेप बाय स्टेप, पहले हम एक एक को लिखेंगे, दो दो है तो एक एक पहले लिखेंगे, यच हो गया, सी हो गया, ठीक। अब देखिए ओ कैसे बचा है, एक यहां पे ओ बचा है, एक यहां ओ बचा है ना, तो एक खो ऊपर वाला लिख लेते हैं, ठीक, समझ रहे हैं बात को, और एक खो ये लिख लेते हैं। अब ये जितने भी चीज है ये कितनी बार है, दो बार है, समझ रहे हैं, ऊपर भी है वही चीज, नीचे भी है, तो कितना लिखेंगे, दो लगाएंगे, मतलब सब दो बार है। अब बचा क्या, अब बचा है आपका सीए महाराज, तो इनको यहां जोड़ देंगे, ठीक। अब इनका नाम क्या हो जाएगा, इनका नाम हो जाएगा कैल्शियम, ठीक, कैल्शियम फार्मेट, ये हो गया इसका नाम, ठीक। आपको रिएक्शन बिल्कुल अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब हम अगले रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं, मतलब चौथा रिएक्शन देखते हैं उसको क्या है, उसको डिस्कस करते हैं।